हेलो दोस्तों, देखिए भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए जैसे पता है आपको WTC के हार के बाद रोहित शर्मा कप्तान और जो कोच है राहुल द्रविड़ को काफ़ी क्रिटिज्म हुआ, काफ़ी आलोचनाएं हुई और उसके बाद आपको जैसे पता कि नेक्स्ट जो मंथ में वेस्ट इंडीज का टूर करेगा भारतीय टीम, जहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस खेलना है, 3 आपको ODI खेलना है और 5 T20 मुकाबले खेलना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा को उस मुकाबले के लिए, उस टूर के लिए रेस्ट दिया जा सकता है और कप्तानी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कप्तानी भी ली जा सकती है रोहित शर्मा की टेस्ट की। इस तरह की खबर निकल सामने आ रही है। आप सभी लुक मैच में स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए जैसे पता नेक्स्ट मंथ में जो आपका वेस्टइंडीज का टूर है, उस टूर के लिए यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि रोहित शर्मा ने पूरा IPL बिताया, उसके बाद WTC फाइनल में खेला है। लेकिन सबसे बात WTC के फाइनल के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप है, उसके बाद ही 12 जुलाई से मुकाबले स्टार्ट होंगे। तो ऐसा कौन सी बात हो गई कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा रहा है, समझ से बाहर है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा से अभी यह बात की जाएगी। देखिए रोहित शर्मा T20 मुकाबले खेलते नहीं अभी, तो जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका चयन नहीं हो रहा, विराट कोहली चयन नहीं हो रहा है, तो T20 तो अलग बात हो गई। ODI और टेस्ट मैचेस खेला जाए, लेकिन टेस्ट मैचेस में अगर या इस मौके पर क्यों WTC हार के बाद अगर आप थोड़ा सा रेस्ट मांगेंगे तो उसमें थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, थोड़ा अजीब और गरीब लगेगा कि यार आप किस बात के रेस्ट मांग रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको रेस्ट मिल चुका है, तो बाकी आप किस बात का रेस्ट मांग रहे हैं, क्योंकि 12 जुलाई से मुकाबले स्टार्ट है और लगभग 11 जून को आप फ्री हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको रेस्ट मिल चुका है, तो किस बात का रेस्ट मांग रहे हैं, तो वही देखते हैं। लेकिन यह भी सिलेक्टर्स ने कहा है, जो सोर्सों के माध्यम से खबरें आई है कि रोहित शर्मा से मिलकर बात करेंगे कि क्या वो ODI या टेस्ट मैचेस में अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है टेस्ट मैचेस ना खेले, ODI खेले, और यह भी बताया जा रहा है अगर टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं रोहित शर्मा तो यह भी कहा जा रहा है कि उनकी जो कप्तानी है और रहाणे उस समय उस टूर के लिए कप्तानी करेंगे, जहां पे पुजारा के लिए भी बताया जा रहा है पुजारा अवेलेबल नहीं होंगे, SCB जायसवाल को लिया जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ हैं आपके, उमेश यादव अवेलेबल नहीं रहेंगे, मुकेश चौधरी को लिया जाएगा, और वही सबसे बात है विराट कोहली अवेलेबल रहेंगे, जिस तरह खबर निकल सामने आ रही है। तो अभी तक यही खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को उस टूर के लिए या तो ODI से या टेस्ट मैच से रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन यह समझ से थोड़ा बाहर है कि आप किस बात का रेस्ट मांग रहे हैं। आप पूरा IPL निकाल चुके खेलकर, WTC फाइनल खेला है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप तो हो गया, 1 मंथ का रेस्ट तो हो चुका है, उसके बाद आपको रेस्ट कितनी जरूरत है रेस्ट की, तो ये बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि आप भारत टीम कप्तान है और जिस तरह भारत टीम हारी उसके बाद तो बहुत, अगर आप रेस्ट लेते तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि आप किस मुंह से किस बातों से रेस्ट लेना चाहते हैं आप, तो ये बड़ा ही अजीबो गरीब प्रश्न उठ रहा है। लेकिन अभी सोर्सों के माध्यम से खबर आई है 27 जून को जो भारतीय टीम की टीम अनाउंस होगी वहां बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आखिर किस प्लेयर को चुना गया है। तो बस यही तक खबर थी आज की। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब, मैच को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।